आम एक ऐसा फल है जो सभी को खूब पसंद आता है। बच्चों को मैंगो का रसीला और मीठा स्वाद खूब पसंद आता है। बच्चों को आम ज़रूर खिलाना चाहिए। आम में एक ऐसा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। आम खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और शरीर मजबूत होता है, तो ये सब हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी नीडेड है। तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं जिसमें हम आम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आम किन किन चीज़ों में काफ़ी मदद करता है, किन चीज़ों के किस केस में वो नुकसान भी कर सकता है, किस मंथ से आप बच्चों को आम दे सकते हो, 6 महीने के, 4-5 महीने के बच्चों को आम दे सकते हो या नहीं, कौन सा आम ज़्यादा सही रहता है, खट्टा जो हल्का होता है या जो मीठा होता है, खट्टा वाले खाने खिलाने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं और आम वाले से क्या फ़ायदे नुकसान है, सब कुछ हम डीपली डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं दस्त की, पेट दर्द की, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, सब कुछ कैसे आपको आम देना है जिससे वेट गेन भी हो, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि शिशु को आम खिलाने की सही उम्र क्या है, तो आम बेहद सॉफ्ट और जूसी फल है। शिशु को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, हालांकि 6 महीने के बाद आप उसे थोड़ा सॉलिड फूड देना शुरू कर दें। इस दौरान आप प्यूरी बनाकर आम खिला सकते हैं, 6 महीने के बच्चे को स्मूदी बनाकर दे सकते हैं, आप चाहे तो मैंगो शेक बनाकर भी पिला सकते हैं, इससे वेट गेन अच्छा होगा। हाँ, ध्यान इस बात का आपको रखना है कि बच्चे को आम खिलाने से थोड़ा पेट में पॉटी की समस्या हो सकती है, पेट दर्द हल्का हो सकता है, इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी, कम क्वांटिटी से ही बिल्कुल स्टार्ट करना है, बिल्कुल थोड़े थोड़े पीसेस से स्टार्ट करते हुए आगे चल के उसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, पर अभी आपको क्वांटिटी का काफ़ी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आम क्या है ऐसा, इसमें क्या है ऐसे फ़ायदे। तो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बच्चों का वजन गिरता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो आम जो है आम खाने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इसमें पाचन अच्छा बनाता है। आम अगर डाइट में इंक्लूड करते हैं बच्चों की, तो पाचन शक्ति जो है वो अच्छी मजबूत बनती है। आम में फाइबर होता है जिससे पेट साफ करने में मदद मिलती है। अगर बच्चे को कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो उसे आम ज़रूर खिलाएं दोस्तों। बहुत ज़्यादा आम खाने से पेट में गर्मी होने का भी खतरा रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा फायदा आम का है कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। आम में विटामिन ए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है जो आपकी आँखों को स्वस्थ रखता है। बच्चों को आम ज़रूर खिलाएं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। चौथी चीज़ है कि एनर्जी से भरपूर है आम। आम का स्वाद मीठा होता है जो खाने में तो टेस्टी लगता ही लगता है, साथ ही शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। खेलने कूदने वाले बच्चों को, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो खेलने कूदने में भी उसको जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी अच्छे से आम के हेल्प से मिल जाती है। मैंगो शेक बनाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों का वेट गेन काफ़ी अच्छा होगा। हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों। आम खाने से हड्डियों का विकास अच्छा होता है, दिमाग मजबूत होता है। आम में कैल्शियम, बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हैं इसके कुछ बेनिफिट। अब बात करते हैं आम खिलाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना, तो ये नुकसान भी कर सकता है। ठोस आहार शुरू करने के बाद ही आप बच्चे को आम खिलाना शुरू करें। अगर आपने बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, तो आपको बच्चे को आम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आम को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद ही बच्चों को खिलाएं, अगर बच्चा छोटा है तो। थर्ड टिप है आपके लिए कि आम खट्टा हो सकता है, अगर आपका आम खट्टा है तो आपको बच्चे अधपक्का आम खट्टा हो सकता है और इसे पचाने में भी शिशु को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बच्चे को पका हुआ आम ही दें। यदि आम खाने के बाद बच्चे को किसी भी तरीके की एलर्जी दिख रही है तो आम खिलाना बंद कर दें। तो पेरेंट्स, ये थी कुछ टिप्स, ये थे कुछ बेनिफिट्स आम के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि हमें जब फ़ायदा पता होता है तो खिलाने में भी हमें काफ़ी मज़ा आती है बच्चों को। आम वैसे भी बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है, तो अब किस केस में आपको कितना आम बच्चे को देना है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी है आपको तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर कोई और फल के बारे में आपको जानना है जो बच्चों के लिए कैसा कितना हेल्पफुल हो सकता है उसकी अगर आपको जानना है, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।